Hey Houseman everyone, my name is Mari पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे हेमलैंड्स के सीजन 4 वाले वर्ल्ड में। सो गाइस, होगालाला एंटिटी को डार्क हेमलैंड्स के अंदर कैप्चर करने के बाद इन द एंड होगालाला ने मेरे को मार दिया था एंड उसके बाद गाइस मैं फाइनली रिस्पॉन हुआ था एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर जो कि था गाइस फारलैंड्स का। एंड लिटरली मैं 1,25,00,000 ब्लॉक्स दूर स्पॉन हुआ अपने घर से। एंड जब मैं इतना ज्यादा दूर यहाँ पे स्पॉन हुआ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि कुछ भी करके अपने घर में को वापस पहुंचना जहां पर मेरे दोस्त एसजीओ ड्रीमबर्ड मिस्टर फलाना जी मेरा वेट कर रहे हैं। एंड उसके अलावा विजर्ड कमांडर द किंग जितने भी वो सारे बंदे हैं वो सब मेरा वहां पर वेट कर रहे होंगे। तो कुछ हो जाएगा इस मेरे को वहां तक पहुंचते पहुंचना था, बट अगर मैं यहाँ पर पैदल चलना स्टार्ट भी करूँ ना गाइस तो 1,25,00,000 ब्लॉक्स दूर पहुंचने के लिए मेरे को सालों लग जाएंगे रियल लाइफ के, वो भी अगर मैं 24 घंटे कंटिन्यूसली पैदल चलता रहूंगा तो ये तो पॉसिबल है नहीं मेरे लिए। तो मैं निकल गया गाइस यहाँ पर खोजबीन किसी सिविलाइजेशन के लिए, दैट इज किसी विलेज को ढूंढने के लिए। एंड मेरे को यहाँ पर एक विलेज मिलता है लेकिन उन लोगों को लगता है मैं बाहर का बंदा हूँ, वो लोग मुझे मारना स्टार्ट करते। बट फाइनली मैं उनको एंड में जाकर यकीन दिलाता हूँ कि भाई मैं अच्छा बंदा हूँ और मैं यहाँ पर क्या क्या चीजें करके कैसे कैसे यहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ एंड वो मेरी बात पे विश्वास करते हैं। गाइस उस विलेज के किंग ने मेरे को एक टास्क दिया था, अगर मैं उस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा वो बंदा मेरे को मेरे घर तक डायरेक्ट ऐसे भिजवा देगा एक ही बार में। एंड वो टास्क ये था गाइस मुझे टाइम मशीन में जाकर पास्ट में जाना पड़ेगा एंड उस किंग का जो पिछला वाला विलेज था वहां पर एक नाइट पे एक असैसिन ने हमला कर दिया था। तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता करनी है वो असैसिन से कि उस असैसिन को किसने पैसे खिलाए थे उस किंग को वहां से खदेड़ने के लिए और उसकी जगह को खाली करवाने के लिए। वही चीज पता करने के लिए गाइस मैं टाइम मशीन में गया एंड नाउ गाइस मैं एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूं जिस वर्ल्ड के अंदर आते गाइस मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुके, मैं लिटरली तुम लोगों को बता रहा हूं बिकॉज इस वर्ल्ड के अंदर कदम रखते ही मुझे यहां पर लिटरली मैं खुद दिख गया। चेक दिस आउट एंड गाइस ये जो हमारा वर्ल्ड है ना ये मेरा सीजन वर्ल्ड का वर्ल्ड और मैं बस एक ही चीज यहाँ पे टेस्ट करने वाला अभी। जो मैं अभी यहाँ पर सोच रहा हूँ ना अगर वो चीज यहाँ पर हो जाती है तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 3, 2, 1 चेक दिस आउट, एक्चुअली ये ट्रू है। ऊपर देखो भाई दो दो यस मार्टी पा दिख रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड सीरियसली ब्रो, ओके यहाँ पर देखो गाइस ये मेरा वो पांडा लैंड है, वो देखो सामने वो मेरा बी वाला केस था जिसको मैंने आयरन का बीकन बनाया था एंड यहाँ पर हमारा एमरल्ड का बीकन भी है और वहां से पीछे मेरा घर भी है गाइस। ओ माय गॉड मैं एक्चुअली अपने CN1 वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। फटाफट इसको एक्सप्लोर करते हैं मैन। ओके आप गाइस मेरे को ना एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा जो कि मुझे किंग ने बताया, अगर पास्ट में रहने वाले किसी भी बंदे ने मेरे को देख लिया, क्योंकि जब मैं इस वर्ल्ड में खेल रहा था मैंने कभी भी खुद के कॉलोन को नहीं देखा था यहाँ पे है ना, अगर अभी गलती से मैंने खुद को देख लिया यानी कि मेरे पास वाले बंदे ने अगर मुझे अभी देख लिया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो मेरे को एकदम चुप चुपा के चलना पड़ेगा, अरे बंदा भी है कहाँ है भाई, भी एकदम ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। ओके वहां जाते हो दिख रहा है मेरे को, कहाँ जा रहा है, ये घर के लिए जा रहा है भाई, ये मैं हूँ गाइस ये मेरा पास्ट है और मैं तब भी इतना नल्ला था, मैं आर्मर के बिना घूम रहा होता था भाई और मुझे ये भी याद नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। ओके देखो मुझे ऊपर दिख रहा है वो बंदा यार वहाँ पे, ओ माई गॉड ये मेरा ही सीजन 1 वाला वर्ल्ड है जो कि डिलीट हो गया था, थैंक गॉड। हाँ ये थोड़ा सा चेंज हो गया भाई लेकिन इसके साइड में यहाँ पे एक रिवीन थी जो मेरे को याद है। अब तो कैसे यहाँ पे कंफर्म हो चुका कि ये जो बंदा था ना ये मैं ही हूँ एक्चुअली, तो अब यहाँ पे एकदम ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा जा रहा है कहीं पे, कहाँ जा रहा स्मार्टी, चला गया पता नहीं कहाँ, गेड़िया मार रहा है भाई। क्योंकि गाइस मैंने अपने वर्ल्ड में ना एक्चुअली एग्जैक्ट यही कर रहा होता था और ये तब का टाइम होगा जब मैं शायद से कोई वीडियो वगैरह शूट ना कर रहा हूँ बिकॉज मैं उस टाइम पे ऐसी गेड़िया मार रहा था हर कहीं क्योंकि नया नया माइनक्राफ्ट का एक्सपीरियंस था ब्रो। ओ माय गॉड गाइस यहाँ देखो मेरा होम टाउन, याद आ गया मेरे को ये, ओ माय गॉड ये देखो यहाँ पर मैंने टिकटॉक वायरल हैक की एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, ओ माय गॉड ये मेरे को सब कुछ याद है और ये पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैं अपने घर के अंदर जाने वाला अभी। यहाँ देखो मेरे वो डॉग का वो जो मैंने क्राउन बनाया हुआ था ये घोस्ट और ये हाइची, गाइस हमारे फर्स्ट वर्ल्ड के घोस्ट एंड हाइची, ये ओरिजिनल घोस्ट एंड हाइची है भाई, मेरा ना अभी लिटरली गला बैठ चुका है भाई तिची के मार मार के। ये कौन है, विली और ये पक्का सोनिया होगी अंदर, रुको जरा एक बारी लेट मी चेक वन टाइम, अगर ये सोनिया हुई ना तो मजा आ जाएगा भाई। हेलो मेरे पास आ जा, यस ये देखो गाइस ये सोनिया है, ये दोनों मेरे पोलर बेयर्स थे इस वर्ल्ड के यार। और यहाँ देखो मैंने वहां पर अपने वो डॉग्स के लिए एक छोटा सा घर बनाया था एंड उसके अलावा यस वायरल टिकटॉक हैक वाला मेरा ये वाला गेट तुम लोगों को याद होगा, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, हर बार मेरे को हार्ट अटैक दिला देता रहा ये वाला घर, ये वाला मेन एंट्रेंस बहुत ही ज्यादा मस्त है यार। ओके भाई एग्जैक्ट सेम यार, यहाँ देखो सारी की सारी चीजें मैं ऐसे ही तो रखा करता रहा और यही मेरा स्टाइल था, मैं यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं कर सकता अभी है ना, अगर मैं यहाँ से कोई भी सामान चोरी करूंगा तो मुझे खुद को मेरे पास्ट पे शक हो जाएगा कि भाई मेरा सामान यहाँ पे गायब हो चुका है। और वहां देखो
मेरा एंडर ड्रैगन का अंडा, ये भी अभी तक यहाँ पे एकदम सुरक्षित है यार ब्रो। ओ माय गॉड यार, मेरे को बहुत ज्यादा याद आती है भाई इस जगह की यार। और यहाँ से ऊपर गाइस मेरा वो ब्रो, वो बंदा इधर ही आ गया था यार कसम से। ओके मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, बिकॉज मेन एंट्रेंस के अलावा गाइस एक और एग्जिट थी यहाँ की, जो कि ये वाली थी। यस, ये मेरा वो वाला है। यस, यहाँ देखो यहाँ पर माइनकार्ट्स भी है। यहाँ से मेरा वो शीश महल के लिए रास्ता है, हम लोग जाएंगे शीश महल देखने के लिए। अगर इसने मुझे देख लिया होता ना यहाँ पे मेरे पास नहीं ना, तो भाई लिटरली यहाँ पे सीन हो जाता। मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए भेजा गया था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपने इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे नहीं था पता कि हम लोग टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके अपने वहां पर पहुंच जाएंगे भाई, अपने सीजन वन वाले वर्ल्ड में। चेक दिस आउट, ये है गाइस हमारा शीश महल। ओह माय गॉड, ये वही है यार, ये मेरी क्रिएशन है मैन। ओके इसके अंदर, यस इसके अंदर मीट रखा होता मैंने, दिस इज नाइस। तो गाइस है तो ये मेरी ही जगह, अब मैं ऐसा करने वाला हूँ यहाँ से चलते हैं फटाफट उस किंग के यार उस यू नो राज्य को ढूंढते हैं यार, कहाँ पर वो हमला किया था उस बंदे ने, असैसिन ने। उसके बाद मैं यहाँ पर जरूर एक और गेड़ी मारने के लिए आऊंगा यार। गाइस नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूँ यार, मजा आ रहा है भाई। तुम लोगों को मेरा सीजन वन पक्का याद आ गया अभी, है ना? याद आया तो लाइक जरूर करना वीडियो को गाइस। और अभी हम लोग जाने वाले डायरेक्ट उस विलेज को देखने के लिए, बिकॉज़ मुझे लग रहा है बाहर यहाँ पे रात होने वाली है। फटाफट चलते गाइस यहाँ से, टाइम नहीं वेस्ट करना यार, मैं ना मतलब फंस जाऊंगा बुरी तरीके से। लेकिन इसका जो दरवाजा है ना, ये बहुत ही ज्यादा शोर करता है यार, ये जो चीज़ है बहुत ज्यादा शोर करती है। आ गया बंदा, चल निकल 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 यहाँ से। ओ माय गॉड, बच गया यार। अगर ये बंदे ने मेरे को देख लिया होता ना, मैं दिक्कत हो जाती। इसको पक्का मेरी आवाज तो सुनाई दे गई होगी, पर ये पक्का ये सोच रहा होगा कि बाहर शायद से कोई जानवर वगैरह होंगे, बिल्ली वगैरह जो शायद से उस पे चले होंगे। एंड गाइस चेक दिस आउट यार, ये वही वाली गाड़ी है जो कि मैंने वायरल टिकटॉक हैक से बनाई थी। ऊपर देखो मेरा वायरन फार्म, एंड ये देखो पीछे मेरा, यहाँ पर मैंने घोड़े वगैरह लामास वगैरह रखे होते थे। ओके यार मेरे को याद है गाइस, मेरे को अच्छे तरीके से याद है सारी की सारी जगह। ये वाला पॉइंट मेरे को अच्छे तरीके से याद है यार, बहुत आयरन गोलम मारे मैंने यहाँ पे। और अब मैं क्या करने वाला गाइस, निकलते हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ कि मैं खुद को एक बार यहाँ पे स्पॉट कर लूँ, बिकॉज अगर मैंने खुद को स्पॉट कर दिया तो फिर सीन हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा करते हैं, निकलते हैं सीधे उस विलेज की खोज में। और ऐसा करते हैं इस एक डायरेक्शन को पकड़ के चलते हैं, और वो ऊंचा वाला जो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ ऊपर से उस विलेज को देखने की कोशिश करते हैं। क्या पता दिख जाए हमको यार, जल्द से जल्द इस मिशन को सॉल्व करना है ताकि मैं अपने घर जा सकूं। व्हाट द हेक, वूल यहाँ पे गिरी हुई नीचे, व्हाट, ये थोड़ा सा वियर्ड है। यहाँ पर एक और, अच्छा यहाँ पे डॉगी है, इन डॉगियों ने मारा। प्लीज डोंट टेल मी, अरे नहीं ये होगा लाला है, हाउ इज दिस पॉसिबल। अरे यार ये क्या मजाक हो रहा है, ये बंदा यहाँ पे कैसे आया? अरे भाई इस बंदे को कैप्चर किया हुआ यार, लिट मेरी साइड के लिए आ रहा भाई ये बंदा। ओ माय गॉड, इज दिस अ जोक ब्रो, सीरियसली मैन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उधर के लिए बंदा सामने गया हुआ यार, ये क्या मजाक हो रहा है भाई, इस बंदे को इतनी मेहनत से कैप्चर किया। अरे भाई उधर ही क्यों, क्या कर रहा है, इधर ही घूम रहा है मुझे सामने से, इस बंदे को पता कि मैं यहाँ पे हूँ। अरे यार भाई इस बंदे को हम लोगों ने इतनी मेहनत से कैप्चर किया था, देख ले मेरे को, अरे फंस गया मैं, जल्दी निकल कर इस बार। ओ नो, हो गया लाला यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या मजाक है। ओ माई गॉड, नहीं यार ब्रो, नहीं नहीं नहीं, हाउ इज दिस पॉसिबल। अरे यार इसका मतलब एंटिटी भी निकल गई है वहां से, डोंट टेल मी दिस, निकल 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 यहाँ से, मुझे नो आइडिया कि अगर हम लोग यहाँ पे मरते तो हम लोग कहाँ पे स्पॉन होने वाले हैं। कहाँ पर है बंदा, वॉच गाइस, ये होगा लाला नहीं है, इसका नेम टैग नहीं दिख रहा है, ये वो वाला शिफ्ट वॉक वाला डांस कर रहा है। ओ माय गॉड गाइस, ये वो वाला कलोन है होगा लाला का, जिसको हम लोगों ने पोशन ऑफ पीस मारा था, ये वही है, ये 100% वही है। अरे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हेलो यहाँ पे क्या कर रहा है तू, तू पास्ट में कैसे आ गया भाई, तू मेरे साथ साथ है। और गाइस मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस बंदे से बात करके आता हूँ एक बार, धन मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। और अगर तो मैंने इससे पूरी तरीके से यहाँ पर बात करी है, एंड द मेन थिंग इज कि ये बंदा हमारी लैंग्वेज यहाँ पे सीख चुका है अच्छे तरीके से। पहले इस बंदे को हमारी लैंग्वेज पता नहीं थी, तुम लोगों को याद होगा कि विजर्ड इस बंदे से बात करने के लिए आया था जब हम लोगों ने इसको एक छोटी सी जेल के अंदर बंद किया था पोर्शन ऑफ कंट्रोल मारने के बाद। एंड गाइस अभी हम लोगों ने इसके ऊपर पोर्शन ऑफ पीस मारा है, एंड अब गाइस ये बंदा हमारी लैंग्वेज यहाँ पे सीख चुका है। दैट्स व्हाई तुम लोगों को पता, इस बंदे को जैसे ही पता चला कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, ये बंदा लिटरली मेरे को यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट कर दिया इस बंदे ने। और मेरे को बोला कि एसजे वगैरह भी सारे के सारे मेरे को ढूंढ रहे हैं इस वक्त, और उनको पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। कैसे पता होगा भाई, मैं 1 करोड़
25 लाख ब्लॉक्स दूर हूँ। हमारे हेमलैंड्स का जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो 600 और 600 है एक्स और जेड के, और मैं 1,25,00,000 ब्लॉक्स दूर हूँ। तो ये बंदा मेरे को ढूंढते, बिकॉज इस बंदे के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और ये बंदा बहुत ज्यादा ऊंची जंप मार कर एटलीस्ट 20 से 25 ब्लॉक का डिस्टेंस एक साथ ट्रैवल कर सकता है। तो इसने मेरे को बोला कि भाई ये कम से कम एक हफ्ते से लेकर 2400 घंटे चल के जा रहा है और यहाँ पर ये मेरे पीछे पीछे पहुंच गया। वो ये बंदा बहुत ही ज्यादा सही बंदा। और इसने मेरे को एक बात बोली गाइस, इसने मेरे को बोला कि तू उस असैसिन को पेन लेने के लिए जा रहा है ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ एंड मैं भी तेरी मदद करने वाला उस चीज के लिए, और दोनों साथ में मिलकर पेलेंगे उस नाम को निकालेंगे। लेकिन अगर मैंने इस बंदे को यहाँ पर मना कर दिया, बिकॉज मैं असैसिन से अकेले वो नाम निकाल सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर इतना यकीन है। और क्या ही कर रहा है भाई, हवा में उछल रहा है बंदा। काश इसकी ऐसी पावर मेरे पास होती ना, तो फिर तो भाई मैं दुनिया जीत लेता लिटरली। तो भाई मैंने इसको बोला है कि भाई तू ऐसा कर, मेरी जो वो टाइम मशीन है ना, तो उसको सेफ करने के लिए जा। अगर ये बंदा मेरे टाइम मशीन के पास जाएगा, ये उसको सेफ रख सकता है ना, तो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, ताकि मैं यहाँ पर 100% अपने घर पहुंच पाऊँ। बिकॉज ये बंदा तो 1,25,00,000 ब्लॉक दूर पैदल चल के चला जाएगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू जा और मेरी उस टाइम मशीन की रक्षा कर, और ये बंदा निकल चुका है। एंड गाइस मैं जाने वाला हूँ उस विलेज को ढूंढने के लिए। इसने मेरे को बताया कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो विलेज आने वाला है। ये बंदा वहां से भी ऑलरेडी आ चुका है मेरे को ढूंढते ढूंढते, और इसने ना बेसिकली दूर से देख लिया था जब मैं उस टाइम मशीन के अंदर बैठ के जा रहा था, और लिटरली ये मेरी उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके मेरे पीछे पीछे आ चुका। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू ऐसा कर कि उसी टाइम मशीन की रक्षा कर ले यार, मैं चाहता नहीं हूँ कि वो टाइम मशीन किसी और बंदे की नजर में आ जाए। अगर उसका एक भी पुर्जा गायब हो गया ना गाइस, तो मैं यहीं पर अटक जाऊंगा पास्ट में। एंड सीरियसली मैं पास्ट में अटकना नहीं चाहता भाई, मेरा जो पास्ट वाला वर्जन है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नूब है। तो मैं चाहता हूँ कि वो नूब है वो नूब रहे और अपने हिसाब से प्रो बनता जाए धीरे धीरे करके। ओके ना, तो मेरे को यहाँ से निकलना ही निकलना है। फटाफट ऐसे करते करते उस विलेज को ढूंढते हैं यार, और उस असैसिन को पेलते हैं। एंड जो मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ गाइस, वो बात ये है कि मुझे किंग ने क्या बताया था। किंग ने मेरे को ये बताया था कि वो जो हमारा असैसिन है ना, वो लिटरली दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर है। उससे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई, बट जीत सकते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, वो जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ पास्ट में, तो मुझे नो आइडिया कि मैं कहाँ पर स्पॉन होने वाला हूँ इस वक्त। हनी रुको, मेरे पास एक प्लान है गाइस। वहां पर लोग फाइट करने के लिए जा रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत वहां पर हो सकती है। उस दिक्कत से बचने के लिए आई हैव गॉट अ प्लान। ओके, वहां पर सामने बहुत सारी सैंड दिख रही है ना, फटाफट मैं अपने लिए सैंड खोद कर आता हूँ, और एक बहुत ही मस्त चीज बनाने वाला हूँ मैं। और ये चीज जो मैं बना रही हूँ, मैं इमरजेंसी के लिए बना रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर फटाफट स्मेल्टिंग के लिए लगाता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरे को एक्चुअली ये बनाना था अपने लिए, जो हनी के ब्लॉक्स होते हैं ना, ये मेरी यहाँ पे जान बचा सकते हैं लिटरली। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज़ कई बार यहाँ पर खाना वगैरह खत्म हो जाता है, जब खाना खत्म हो जाता है गाइस, तो तुम लोगों को पता ही है कि यहाँ पे सीन भी हो जाते हैं हमारे साथ। ओह यस, फाइनली भर गया। वन, एक सेकंड रुको। ओके, गुस्सा तो नहीं आता इनको? अरे मैं तो भूल गया, इनको गुस्सा भी आता है। हेलो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैं तुम्हारा हनी चोरी कर रहा हूँ भाई। रुको 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 माताओं रुको। ओ भाई, मधुमक्खियों ने क्या भगाया मेरे को सामने विलेज भी दिख गया। एंड प्लीज टेल मी कि वही वाला विलेज है। अगर ये वही वाला विलेज हो, मजा देंगे कसम से। यहाँ पर एक विलेज तो बहुत बड़ा है, पर मुझे नो आइडिया कि वही वाला विलेज है कि नहीं है। मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा अंदर जाकर कि वो किंग है यहाँ पर कि नहीं है। मैं अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आसपास और यहाँ पे हनी बीज वगैरह ढूंढ के आता हूँ, एंड देन बॉटल्स भर के आता हूँ। बिकॉज एटलीस्ट 5 से 6 बॉटल्स भरनी पड़ेगी मैन, बिकॉज इनसे क्या हो सकता है कि हम लोग कई बार हाफ फाट वाले सिचुएशन में बहुत बार फंस जाएगा। मुख सामने एक और है, मैं तुम लोग को लिटरली बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत बार फंसते ब्रो हाफ फाट वाली सिचुएशन में। उस टाइम पर ये हनी हमारे काम आ सकता है भाई, खाना खाने के लिए। और अगर तो 5 हनी की बॉटल्स भर के आ चुका हूँ, बहुत सारा मुश्किल से भाई, बड़ी मुश्किल से मिले मेरे को वो दूर जाके। ऐसे करते हैं ऊपर वाले घर के पास चलते हैं, एंड लेट्स सी कि ये वही वाला विलेज है कि नहीं है। अगर मेरे को इसके अंदर वो राजा वगैरह दिख जाता है, तो ये वही वाला विलेज होगा। एंड देन इसी विलेज के अंदर आज रात को, देखो अभी यहाँ पर लगभग दिन हो रही है, आधा दिन बीत चुका है, रात को यहाँ पर वो असैसिन्स वगैरह आने वाले हैं। तो मेरे को लग रहा है आज बहुत ही खतरनाक वाली फाइट यहाँ पर हमारी स्टार्ट होने वाली है। एंड लेट्स सी मैन, ये विलेज तो बहुत बड़ा, देखो वहाँ पर विलेजर्स भी दिख रहे हैं मेरे को, पर किंग वगैरह आई डोंट नो मैन, देखो वो भी विलेजर है भाई। इन लोगों के यहाँ पर कत्लेआम होने वाले, इन लोगों को पता ही नहीं है भाई। आराम से बंदा अपनी खेती बाड़ी पे फोकस कर रहा है बंदा। ओ माय गॉड, यही है, ये देखो नीचे किंग है, और यहाँ पर एक वो नाइट जा रहा। ठीक है, अब मेरे को कुछ भी हो जाए इन लोग। ओके 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 भाई, यहाँ पर बंदा तो नहीं है मुख सामने? बिकॉज मेरे को किंग ने बोला है कि जब पास्ट में जा रहे हो बेटा, तो कोई भी बंदा लिटरली आपको देख ना पाए। बोले को नीचे वहाँ पर विलेजेस वगैरह है भाई साहब, ये वही वाला विलेज है, यहाँ पर हमला होने वाला है। किंग देखो नीचे देख रहा है, नजारे ले रहा है, अरे ब्रेक ले जा रहा है। इस बेचारे को पता नहीं कि अभी इसके ऊपर यहाँ पे रात को हमला होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर छुपने वाला हूँ जब तक यहाँ पे शाम होती है, एंड देन उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। एंड फिलहाल एक सेकंड को मैं यहाँ पर छुप क्यों रहा हूँ भाई, मुझे तो ये पता ही नहीं कि वो कहाँ से आएगा। मेरे को यहाँ पर अपने लिए एक छोटा मोटा कुछ ऐसा चीज बनानी पड़ेगी जहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। मुझे ऐसे फील हो रहा है ये विलेज के आसपास इतनी खुली खुली फील्ड है ना, देखो हर जगह पे, वहाँ पीछे होके वो 100% आ सकते हैं इनको मारने के लिए ना। ऐसा कहते हैं इधर ही किधर मैं अपने लिए खोपचा बनाता हूँ यहाँ पे, और इन डर्ट्स को हटा देते हैं ताकि मैं दूर से देख सकूँ कि कोई अगर इस डायरेक्शन से
आएगा तो आ गया। ये वो, ये असैसिन है। ओए ये बंदा कौन है? एक सेकंड रुको, मेरे को यार मेरे पास वो दूरबीन जैसी चीज होती है यार, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बंदा विज़र्ड तो नहीं है। ओह माय गॉड भाई, ये बंदा लिटरली यहाँ पे स्नीक करके जा रहा है, यही है वो किलर यार। मेरे को देखे मत प्लीज, मेरे को देखे मत। यस, ये विलेज को देख के जा रहा है भाई आगे के लिए, ये वही किलर है। और मैं तुम लोग को 100% बोल रहा हूँ, ये विज़र्ड है, ये सीरियसली विज़र्ड है, ये लिटरली बंदा विज़र्ड है यार। ओह माय गॉड, इसे दो बंदे बुलाते पीछे से। वेट अ सेकंड, ओ माय गॉड, ये तीन बंदे हैं। मेरे को तो उस किंग ने बोला था कि एक बंदे ने इनके विलेज के ऊपर हमला किया था, ये तो तीन तीन बंदे हैं। मैं तीन बंदों से कैसे लड़ूंगा? और ये दोनों लिटरल यहाँ पे निंजाज है ब्रो, ये दो बंदे निंजाज है यहाँ पे, है ना? मैं तीन बंदों से लड़ूंगा कैसे? और ये विज़र्ड यहाँ पे कर क्या रहा है? ये 110% बोल सकता है विज़र्ड है। देखो कपड़े सेम है बट उसके बाल यहाँ पे काले हो चुके हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पास्ट में गए हुए इस वक्त। इस वक्त बेसिकली जवान बंदा है। और ये यहाँ पर क्यों मार रहा है भाई इस विलेज को? ये तो बंदा सही था। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। 100% गाइस, देखो इसकी जटाएं दिख रही तुमको बैक साइड से, ये विज़र्ड है ब्रो। एंड विज़र्ड ने यहाँ पर इन बंदों को क्यों भगाया? पास्ट में बंदा एक पेड असैसिन था। एंड उस किंग ने तो एक चीज मेरे को बोली कि 100% कि भाई वो जो बंदा है वो बंदा बहुत ही तगड़ा है फाइट में। एंड विज़र्ड का तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि विज़र्ड लिटरली लेजेंडरी बंदा है फाइट में। मेरे को देखियो मत प्लीज, मैं ना बिल्कुल मुंह के सामने खड़ा हूँ भाई। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आगे के लिए चलते हैं, और यहाँ पर मैं दो ब्लॉक लगाने वाला मुंह के सामने, ताकि मेरे को विलेज वाले बंदे तो बिल्कुल ही ना देखे। ओ माय गॉड, मुंह के सामने यहाँ पे विलेजर्स है ब्रो, ये मेरे को देख लेंगे, दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बंदे भाई पेड़ के पीछे छुपे हुए, पर ऐसा क्यों? एक सेकंड रुको, अच्छा अभी तक यहाँ पे रात नहीं हुई ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे रात होने का वेट कर रहे गाइस। मेरे को पता क्या करना पड़ेगा ना, अभी रात होने से पहले कुछ भी हो जाए मेरे को इन बंदों को यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ेगा भाई। और मेरे को किंग ने एक बात बताई थी कि जैसे ही अगर मान चलो गलती से असैसिन ने मेरे को देख लिया तो वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज इन बंदों को एक चीज बचपन से सिखाई होती है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को मारने के लिए जाते हो ना, तो अगर ये किसी को भी देख लेता है तो इसको मारता ही मारता है। व्हाई? बिकॉज अपने पीछे किसी भी विटनेस को रखना नहीं चाहते है, ये चाहते है कि एक बार ये अपना जॉब खत्म करे और वहां से एकदम क्लीन होके निकले। अगर कोई आई विटनेस पीछे रह गया तो इसको मार देते हैं। तो मेरे को इधर देख रहा है ये बंदा शायद से, अगर इसने मुझे देखा होता तो 100% अभी तक मेरे पीछे पड़ भी चुका होता है। लेट मी डू वन थिंग, मैं पीछे होकर जाता हूँ और मैं एक बार इनके ऊपर यहाँ पे हमला स्टार्ट करता हूँ। एंड होपफुली गाइस ये बंदा ना मेरे पीछे यहाँ पर आ जाए। गाइस मैंने बिल्कुल भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो ये विज़र्ड है ये बंदा पास्ट में यहाँ पर एक पेड असैसिन था। मुझे पता होता भाई तो मैं तो इस बंदे के साथ काम ही नहीं करता। हो सकता है कि ये बंदा अभी भी तक, तुम लोगों को पता है कोई एक बंदा क्रिमिनल होता है ना तो वो लिटरली लाइफ टाइम तक उसका माइंड हमेशा क्रिमिनल माइंडेड ही रहता है। मुझे लग रहा है ये बंदा कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर रहा था, बट इसने मेरी बहुत मदद करी है गाइस। अगर विज़र्ड नहीं होता तो मैं तुम लोगों को 100% बोल सकता हूँ कि भाई होगा लालो को कैप्चर करना वॉज इम्पॉसिबल। विज़र्ड की वजह से भाई हम लोग यहाँ पे इतने तगड़े वाले काम कर पाए हैं। एकदम स्नेक करके जाएंगे उनको। देख लिया इसने मेरे को? यस, मेरे पीछे, मेरे पीछे। ओके यस फाइनली, मेरे को क्या करना है बस कुछ नहीं करना है इनको, अपने इस विलेज से दूर लूर करना है। मैंने आज रात को यहाँ पे कत्लेआम तो होगा नहीं जब तक मैं उस बंदे का नाम ना निकाल दूं किसने इसको भेजा हुआ यहाँ पे, तब तक नहीं करूंगा मैं। अरे भाई विज़र्ड नहीं आया, ये क्या मजाक है? हेलो, ये दो के दो निंजाज आ चुके मेरे पीछे पर विज़र्ड नहीं आया। व्हाई? ओ माय गॉड भाई, कॉन्ट्रैक्ट किलर है ये बंदा, बिल्कुल भी अपनी साइड को छोड़कर जाएगा नहीं जब तक अपने काम को पूरा खत्म करता नहीं है। अबे नल्लो, तुम लोगों से लड़ना मैंने यहाँ पे। विज़र्ड को भेज अपने, मालिक को भेज अपने। ओ भाई साहब, ओके हमें जा रहा है वापस, और इस विज़र्ड को अभी यहाँ पर पकड़ के लाऊंगा अपने पीछे। वहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है, विलेज को देख रहा है। रात उनसे पहले भाई एक सेकंड, इसको अपने पीछे भगाना ही पड़ेगा कुछ भी जाए। ये दोनों बदसूरत मेरे पीछे पड़े हुए। अबे बदसूरत, क्या कर रहा है? तेरे को एक्सपोज कर दूंगा विलेजर्स के सामने। जल्दी आ इधर, इधर आ मेरे साथ साथ, चल जल्दी आ। अब भगाऊंगा मैं तीनों को, प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। आ रहा है, आ रहा है बंदा मेरे पीछे आ रहा है। नाइस, ओ माय गॉड, आजा 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 मेरे विज़र्ड, इन तीनों के तीनों को मैं बहुत ज्यादा दूर लूर करने वाला हूँ। आजा 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 आजा। ओके मैं ना, मैं एक्चुअली इनको यहाँ पे लूर करना चाहता रहा, ये पानी के बीच में थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल गया एक्स्ट्रा। अब भागते हैं उस साइड के लिए। कमन 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 कमन। ओह माय गॉड, आजा 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 भाई, इनको गाइस बस दूर लूर करना, मैंने कुछ नहीं करना मैंने। और यस यस यस, थोड़ा सा गैप मिलकर मैं खाना खा सकता हूँ। तेज 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 तेज, तीनों के तीनों है कि नहीं है? आई हैव नो आइडिया दोनों। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बंदा पीछे आ रहा हमारा विज़र्ड भी। पानी लेके रख, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है।
एंड अरे भाई मैं कितना स्लो चल रहा हूँ गाइस, कम से कम मैं इनको 200 से 300 ब्लॉक लेके आ चुका, थोड़ा सा और दूर भागना बस, मैंने कंटिन्यू मेरे पीछे आ रहे हैं। मैंने तुम लोगों को बोला भाई ये लोग आई विटनेस नहीं छोड़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाई लोग कंटिन्यूअसली मेरे पीछे पड़ते रहेंगे, मेरे को पूरा यकीन है, मेरे को पूरा यकीन है। निकल 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 यहां से, निकल यहां से तू भी। ओह माय गॉड, इनको ना थोड़ा बहुत हेल्थ का डैमेज तो देना पड़ेगा, अदरवाइज कंटिन्यूअसली मेरे को मारते रह जाएंगे भाई ये लोग। अब वो चीज का रिस्क मैं ले नहीं सकता हूं। निंजा हथौड़ी, तेरे को मैं पहनने वाला अभी। ओ माय गॉड, मेरे पीछे एक बंदे, एक मेरे पीछे, मैं एक के पीछे हूँ, ये बहुत मस्त है। लेकिन यार भाग रहा है बंदा, आजा आजा बैठे तू। ओ माय गॉड, आजा 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 आजा, बहुत बंदे बहुत बंदे बहुत बंदे, निकल 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 निकल। मैं इतने स्लो कैसे तैर रहा हूँ आज, मैं बहुत ज्यादा स्लो तैर रहा हूँ और मैं यहाँ पर मरना स्टार्ट कर जाऊंगा। शिट 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 शिट, ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड, मैं जो भी बच रहा हूँ भाई सीरियसली मैन, और ये लोग मेरे पीछे आ नहीं सकते बिकॉज ये लोग यहाँ पे सांस ले नहीं सकते, मेरे को अपनी ना पूरी की पूरी हेल्थ भरनी पड़ेगी एंड देन नीचे के लिए चलते हैं। ओह माय गॉड, थैंक गॉड कि मेरे को वाली ट्रिक आती है। आजा मेरे पीछे आ, तू बेटा तू मेरे पीछे आ बेटा, तुम लोग सांस नहीं ले पाओगे यहाँ पे। ये बाहर बाहर चला गया वापस, विजर्ड आजा आजा विजर्ड। ओह माय गॉड, मेरे को सांस लेनी पड़ेगी, ये बंदा मेरे उसमें सांस ले रहा है, मेरे बबल्स में नहीं दूंगा बेटा सांस लेने तेरे को मैं। Oh my God! Yes 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 yes! Come on 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 come on! मर रहा है ये बंदा! Yes! इनको भागना ही पड़ेगा bro. Thank God कि मेरे को ये वाली ट्रिक यहाँ पर पता है। देखो मेरे बुलबुले नीचे पानी के पूरे के पूरे भर रहे हैं। Oh my God! मैंने गलती से रिवीन के अंदर आ गया था। आजा बेटे! आ तू! अरे मैं अटक गया भाई यहाँ पे! गया बंदा, यस 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 यस, इस बंदे के लग चुके हैं, मैं भी मर रहा हूँ। नो 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 नो, सांस ले सांस ले सांस ले, बढ़िया प्लीज, पता नहीं है। ओह माय गॉड ओह माय गॉड, पानी आ रहा है पानी आ रहा है। ओह भाई साहब, क्या ही बचा हूँ यार अभी मैं। ओह शिट, बच गया। अबे यार ये लोग भी उसी टाइम पे आ जाते हैं, अपने दोस्त को बचा नीचे फेल दिया मैंने उसको ऑलमोस्ट। निकल 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 निकल, शिट 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 शिट। Oh my God, I have no idea, वो बंदा मरा कि नहीं मरा इनका यार, मेरे हिसाब से मर चुका, मैंने इसको पानी के बीच literally पैक कर दिया था अभी कसम से। देखो अब इनका ये बंदा मरे से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ विजर्ड को नहीं मारना मैंने, ओके okay, हालांकि मेरे को मना किया था इस चीज के लिए, बट तीन बंदे हैं भाई, अब क्या ही कर सकते हैं बताओ मेरे को, वरना मेरे को 100% लोग मार ही देंगे कुछ भी करके। आजा बेटा ओके okay, यहाँ पे रात हो चुकी है, और गाइस मैं एक चीज तो भूल ही गया मेरे भाई, मेरे को प्लानिंग भी तो बनानी पड़ेगी इन लोगों को, मैं कैप्चर कैसे कर सकता हूँ वो नाम निकालने के लिए। अब तो 1000 ब्लॉक दूर हम लोग ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं ना, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे वापस आ गया बंदा, सीरियसली मेरे को दिखा भी अभी यहाँ पे, वो वाला बंदा वापस आ गया है। ओके वैसे मैं इसको यहाँ पे इस केव के अंदर लेके जा सकता हूँ, नीचे कोई ट्रैप वगैरह बना सकते हैं उनके मारने के लिए ताकि सफोकेशन करके मर जाए, बट एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि मैं भी मर सकता हूँ, पानी के नीचे मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। अबे खाना खा रहे लोग मेरे पीछे यार, मेरे को शॉट मार मार के खुद खाना खा रहे हैं। चल 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 बेटा चल बेटा चल बेटा ऊपर के लिए। ओ माय गॉड, निंजा थोड़ी मेरे पास आ गया। ओ माय गॉड ओ माय गॉड, भाई साहब निकल निकल पकौड़े निकल पकौड़े निकल पकौड़े निकल पकौड़े। माय गॉड, अभी हो गया था यहाँ पे कांड यार। निकल, अभी इतने शॉट मार दिया मर नहीं रहा है बंदा, अबे मार तो मर जा भाई अब तू। अरे भाई कितना मारू उसको मैं, कितना मारू, भाग रहा है बंदा, ये बंदा पक्का मरने वाला है 100%। तू आ जा। अरे भाई ये लोग नहीं मरते भाई, भाग रहे
भाई मैंने इसको तो देखो मैंने बहुत मार, भाई इतना ये लोग मेरे को मारेंगे ना, मैं अभी तक मर भी चुका होता, इतना मार दिया मैंने इन लोगों को। आजा विजर्ड, विजर्ड पकौड़े, विजर्ड पकौड़े, आजा तेरी भैंस की आंख, तेरे को बताता हूं मैं अभी। टावर अप कर रहा है ये बंदा। अरे नहीं यार मेरे सामने, ओ माय गॉड, ये बंदों की हेल्थ नहीं है भाई इन बंदों के पास। मैं तुम लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, नहीं है इन लोगों के पास हेल्थ, मुझे यहाँ पर ब्लॉक्स निकालने पड़ेंगे फटाफट। ओ माय गॉड, मैं अभी यहाँ पे फ्रंट गियर में था, फर्स्ट टाइम पे पूरी फाइट में भाई, अब तक तो यही भगा रहे थे मेरे को यार, ये लिटरली ऊपर के लिए क्यों जा रहे हैं। जा 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 बेटा ऊपर के लिए जाओ तुम लोग, मैं छोड़ दूंगा अभी तुम लोगों को, मैं अभी आऊंगा ऊपर के लिए, अभी मैं इनको लिटरली ऊपर जाकर ही पहनने वाला हूँ। क्या फेंक रहे ऊपर से भाई, इन लोगों ने आसपास के सारे गाय गोए मार दिए है, और ऊपर से खाना, थैंक यू भाई खाना देने। विजर्ड साला अभी भी अच्छा आदमी है, मेरे को पटाने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई देखो, मैं तुम लोगों को प्यार से एक चीज बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज करने के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज। तेरे को विजर्ड, जिस बंदे ने भी यहाँ पर एक सुपारी दी है ना उस किंग को वहां से बाहर निकालने की, मेरे को उसका नाम बता दो और मैं चुपचाप से निकल जाऊंगा, वरना मैं तीनों को मार दूंगा यहाँ पे। हंस रहे मेरे ऊपर ये बंदे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तीनों को मार दूंगा यहाँ पे, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। इसकी आंख नहीं मानेगा तुम लोग ऐसे, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि बंदे मेरे को यहाँ पे ना बस नॉक ना दे। ओ माय गॉड, ये बंदे ऐसे ही देख रहे हैं मेरे को भाई, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे पास ब्लॉक्स ही नहीं है इतने सारे यार, मेरे पास बो एनआरओ क्यों नहीं है भाई सिचुएशन के लिए, मेरे पास क्यों नहीं है बो एनआरओ। ओह माय गॉड, इन लोगों के पास यहाँ पे अनलिमिटेड ब्लॉक्स है भाई, मैं तुम लोग अभी प्यार से बता रहा हूँ, मेरे को बता दो तुम लोग नाम उस बंदे का, जो भी वो बंदा है जिसने भी तुम लोग यहाँ पर पैसे दिया है, तुम लोग मेरे को उसका नाम बता दो फटाफट। ये ओह माय गॉड, मैं इसको लिटरली भी नीचे गिरा सकता था। कितने ब्लॉक्स है बेटा तेरे पास, सारे ब्लॉक मैं ले जाऊंगा तेरे। तू अभी रुक, रुक तेरी, ऊपर आऊंगा पानी के साथ। यस, ओह माय गॉड, शिट, इसने मेरा पानी ब्लॉक कर दिया। ओह माय गॉड, मैं बहुत तेजी को भाई इस बंदे के, अभी मैं पेल सकता हूं इनको यार, दिस अ चांस, गिरा दूंगा बेटा तेरे को मैं नीचे। भाई क्या ही हो रहा है भाई, इनके पास अनलिमिटेड, हम तो ऐसे भगवान के पास पहुंच जाएंगे भाई ऊपर हेवन में। हेलो, कोई नहीं, मैं इन्हीं के ब्लॉक चोरी करके जाऊंगा बेटा, तुम्हारे पास अनलिमिटेड है तो मेरे पास भी अनलिमिटेड आ ही जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं ऐसी। ओह माय गॉड, मैं हाफ हार्ट पे था। ओह माय गॉड, निकल। शिट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रुक जा भाई, छलांगे मार के आगे बंदे मेरे पीछे। Are you serious? Come on. मेरे पास यहाँ पे ना पानी नहीं था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वरना मैं कर लेता। Oh my God, ये बंदे literally बंदे छलांगे मार के आए, इन लोगों को fall damage नहीं पड़ता क्या? भाई मैं किन बंदों से लड़ रहा हूँ? That's why कि ये लोग इतने खतरनाक हैं, मुझे wizard ने बताया था। Oh भाई साहब, यार ये तो सीन ही मोटा है भाई, इस तरीके से मैं लड़ नहीं पाऊंगा इनसे। I have got a plan, bro. मैं तुम लोगों को अभी बता रहा गाइस, तुम लोग मेरे को बता दो विजर्ड मुझे तेरा नाम कैसे बताए, अभी फिलहाल को तेरे को भी ये चीज का आइडिया नहीं होगा, बट मैं तेरे को अभी बता रहा बेटा, मेरे को बता दे उस बंदे का नाम, मैं तेरे को छोड़ दूंगा जिंदा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, कितने टाइट उसमें चला हूं मैं यहाँ पे। आज बेटा आज अब तो इतना दूर आ चुके, यहाँ पे रात भी खत्म होने वाली, भाई हमला तो नहीं हो पाएगा आज उस विलेज के अंदर बेटा, मेरे होते मैं नहीं दूंगा मरने इतनी आसानी से, मजाक हो रहा है क्या? आ जा बेटा। Oh my God! Oh yes! Oh my God! मैं खुद फंस गया यहाँ पे। बंदे फंसे हुए हैं, yes! अरे shit, मेरे को इनको पेलना था यहाँ पे यार, मैंने इनको फंसाना नहीं था। बट कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करके मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लूँगा इनसे। Oh my God! मैं कैसे इनको फंसा कर शॉट मारने चाहिए थे। अब तो ये लोग निकल गए यार, तीनों के तीनों बंदे यार, ये मैंने बेवकूफ़ी कर दिया। तेरी साले फंस गए बेटे, मेरे को बता दे, मैं बता रहा हूँ मार दूंगा मैं तेरे को, मैं तेरे को बता रहा हूँ मार दूंगा, बता दे मेरे को अभी भी तू, उसका नाम क्या है मेरे को नाम बता दे। ओ माय गॉड भाई, ये बंदे बहुत अजीब है यार, इन्होंने भाई नाम नहीं बताया, मेरे को फंस के मर जाएंगे बट भाई नाम नहीं बताएंगे उस किंग का, कौन था वो बंदा,
ओह माय गॉड यार, मेरा ना अब यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम लोगों को। अभी ना, अभी मैं उनको पहनने वाला, तुम आओ। आ रे बेटा, तू आ जा। अभी दो ही बंदे हैं। विजेट कहाँ है? विजेट कहाँ है? ओह माय गॉड, यस, आधी हेल्थ जा चुकी है इनकी पक्का। अब मारूंगा मैं इनको। भाग रहा है बंदा। दूसरा, तू इधर, तू इधर आ बेटा, तू इधर आ बेटा। भाग रहा है, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भाग। तेरे को झड्डू बने अभी। ओह माय गॉड, भाई बंदे ने क्या दिमाग लगाया ब्लॉक लगा के। रुक जा बद सूरत, रुक जा, रुक जा, रुक जा। कहां के लिए जा रहा है? कहां जाएगा तू? ओह माय गॉड, विजर्ड कहां गए? एक सेकंड रुको, इनको मैं जान देता हूं अभी। ओके गाइस, मेरे को ना अभी एक काम करना पड़ेगा। ये लोग खुद मेरे पीछे आएंगे, बिकॉज मैं एक आई विटनेस, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो बंदे है ना, ये आई विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। इन लोगों का खुद मेरे पास आना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को मारने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे को यहाँ पे भी टेंशन नहीं है। मेरे को सिर्फ अब यहाँ पे ना एक काम करना है। एक शवल बनाने वाला हूँ मैं, और खुद यहाँ पर मैं अपने लिए ब्लॉक्स निकालने वाला बहुत सारे। अबे तू जा रहे, निकल जा पकौड़े यहाँ से। अभी क्या करने वाला है, एक ट्रैप बनाना पड़ेगा मेरे को ऐसा इन लोगों को फंसाने के लिए, जहाँ पर इन लोगों की जान पर आ जाए। एंड ये मेरे को पक्का यहाँ पर बता दे जिस बंदे ने भी इन लोगों को यहाँ पर भेजा हुआ है। मेरे को भाई वापस जाना है हेमलैंड्स के लिए यार, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मैन पता नहीं भाई विजर्ड ऐसा तो नहीं है भाई, वो बंदा कहीं उस विलेज के अंदर जा चुका उनको मारने के लिए। देखो मेरे को तो दिख नहीं रहा सीरियसली मैन। वो कैसे करता है इन लोगों का ना, मैं ज्यादा दूर जाने दे नहीं सकता हूँ एक्चुअली। अगर देखा जाए तो अगर मुझसे ज्यादा दूर निकल गया ना तो दिक्कत भी हो सकती है। इनको पकड़ता हूँ अभी और फिर इनसे निकलवाने की कोशिश करता हूँ। भाई किस बंदे ने भेजा था इनको यार वहाँ पे हमला करवाने के लिए? नो वे, डोंट टेल मी कि लोग यहाँ पे नेदर के अंदर जा चुके हैं। ये लोग लिटरली यहाँ पे नेदर के अंदर जा चुके हैं। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, अभी यहाँ पे नेदर के अंदर जा रहा हूँ तो ये चीज मेरे बहुत ज़रा काम आने वाली है। मेरे को पॉल की जरूरत पड़ने वाली है। और गाइस लेट्स गो। बल्ले सामने है। ओ माय गॉड, अबे इन लोगों ने अभी ट्रैप बनाया है लिटरली। बैठे मेरे को मारेगा तू महाराजा? माय गॉड, जो ये बचाओ ना भाई साहब, मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को। ओ माय गॉड यार, भाई बंदों ने क्या ही मस्त ट्रैप बनाया हुआ था। ऑलमोस्ट मैं जाने वाला था ट्रैप के अंदर कसम से। ओके अब बहुत हो गया भाई, यहाँ से बाहर निकलते हैं। इनको अभी मैं मारने वाला हूँ, अभी मैं दोनों के दोनों बंदों को मारने वाला हूँ। देखो तुम लोग अभी यहाँ पर क्या करता हूँ। अपने को सिर्फ विजर्ड से बातें करनी है, ये दोनों बाढ़ में जाए। मैं तो इन दोनों के यहाँ पे अभी जिंदा छोड़ने की बात कर रहा था भाई, कि इन लोगों से मैं पूछता हूँ, इनको जिंदा छोड़ देता हूँ, बाढ़ में जाए। ओके वहां पर मेरा ये लोग पोर्टल के पार वेट कर रहे हैं यार। ओके आई थिंक मेरे को जाना पड़ेगा पूरा पूरा घूम के, और दूसरी साइड के लिए मैं इनके लिए बहुत ही ऑसम ट्रैप बनाने वाला हूँ सीरियसली। अभी देखो तुम लोग, ऑल राइट बन चुका है मेरा माल यहाँ पे, और अब देखना मैं पे क्या करने वाला हूँ। ओ हेलो बच्चूरत, हेलो बच्चूरत, हेलो बच्चूरत, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा 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 आजा। यस, तू भी आजा बेटे, तू भी आजा बेटे, तेरे को भी नीचे गिरा दूंगा, तेरे को नीचे गिरा दूंगा। तू पास तो आ, थोड़ा पास तो आ मेरे बेटे, तू आजा आजा। भाग गया। ओह माय गॉड, यस भाई साहब, मेरी गारंटी है 110%। वो जो बंदा नीचे घुसा है ना, वो जिंदा नहीं होगा यहाँ पे। अब सिर्फ एक बंदा बचा है, एंड देन उसके बाद जब विजर्ड मेरे साथ अकेला होगा ना, देन मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। लाइक सीरियसली मैन, ओ भाई मजा आ गया इसको पहल के यार। अब बंदा वापस
ओह माय गॉड, मेरा पिछोड़ा जल रहा है। ये हुआ क्या अभी भाई? What the heck? मैं भी जल रहा हूँ। अरे कितना जल रहा है ये बंदा, मैं मर जाऊंगा ऐसे करके। बाय गॉड, वन हार्ट। अब मैं ऐसे बाहर कैसे जाऊंगा? ओके थैंक, मैंने तुम लोगों को बोला था ना, ये जो ग्लास बॉटल है हनी का, ये थोड़ा सा काम आ सकता है। इसने मुझे हाफ हार्ट का रीजन दिया। और वो बंदा मेरे पीछे कैसे आया मेरे को देखो, समझ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से नीचे, ओके मेरे पास एक आइडिया है, पर यहाँ से नीचे मैं इसके साथ तो नहीं जा सकता हूँ 100% डर्ट के साथ, बिकॉज अगर मैंने डर्ट के साथ जाने की कोशिश करी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके लेट मी डू वन थिंग, क्योंकि बहुत फास्ट करना पड़ेगा लेकिन कसम से। और यहाँ पे जगह बना के रखते हैं। जय माता दी। ओके गाइस देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। तेज ऊपर लगा दे इसको। यस, ओह माय गॉड, बच गया बेटे। भाई वो बंदा मेरे पीछे आया कैसे, मेरे को ये समझ नहीं आया। लेकिन यार मुझे सीरियसली लगा था वो शायद से बाहर निकल गया वहां से। बंदा पीछे आके मेरे को ऑलमोस्ट फेल के चला गया था ब्रो। अब जब मैं चढ़ने वाला हूँ, मैं पूरा का पूरा इस लावा लेक के नीचे से साइड निकलने वाला हूँ, एंड देन उसके बाद उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाने वाला हूँ। इसकी भैंस की आँख, मेरे पास खाना नहीं है यार, दिक्कत होगी बहुत बड़ी है तो यार। ओह माय गॉड, दो ब्लॉक उधर होता ना तो लग गए थे मेरे। और यहाँ से ऊपर कैसे हमारा पोर्टल है। ओह माय गॉड, चलो भाई आराम आराम से निकलते हैं। कुछ खाने का सामान है नहीं क्या मेरे पास? है मेरे पास खाने का सामान भाई। ओके खाना पका बेटे फटाफट। माय गॉड यार, टू हर्ट्स ब्रो, उस बंदे ने मेरे को किसी काम का नहीं रखा था अभी, कसम से ऑलमोस्ट मार दिया था। ऑल राइट, वहां पर कैसे हमारा पोर्टल है। फाइनली यार, फाइनली ऊपर तक पहुंच चुका है। मुझे नहीं आइडिया कि ये बंदे कहाँ पर होंगे, पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग पक्का मेरा दूसरे साइड के लिए वेट कर सकते हैं। वो दूसरे वाले बंदे ने बहुत तगड़े वाली गेम खेली से पहले। यार मैं अपने ब्लॉक्स निकाल के रखता हूँ जितने निकाल सकता हूँ। ओह शिट, मैं फिर से नीचे गिर गया हूँ। ओह माय गॉड। मैं दो बारी बच गया इस जाल से। भाई मैंने खुद को मरवा दिया था अभी यार, कसम से। मेरे पर्ल वेस्ट होगी वो अलग बात है, बट चलो कोई बात नहीं, बच गया यार कसम से। मेरे को पता था ये बंदे इधर ही होंगे, इधर ही मेरा वेट कर रहे होंगे बंदे। ओह माय गॉड, भाई साहब मेरे को जो लगता है ना ब्रो वही होता है हमेशा, तुम लोगों ने याद रखना इस चीज को। चल निकल। ओह माय गॉड। बस मैंने अपनी पर्ल पूरी वेस्ट कर दिया यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। पर्ल मार के बहुत दूर निकल सकता रहा मैं अभी। ओह माय गॉड, नो बुड्ढे, ओह माय गॉड नो बुड्ढे, ओह शिट, बहुत पास आ गए थे मेरे। नो, ओ माय गॉड, मेरे को हेल्प की जरूरत है अभी यार, यहाँ पे सीरियसली बता रहा हूँ। ओ शिट, मेरे को हेल्प की जरूरत है भाई, प्लीज कोई बचाने आ जाओ यार। अब मेरे लगने वाले यहाँ पे, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, अब मेरे यहाँ पे लगने वाले हैं। ओ यस, अरे वो आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, मारो उसको। एक बंदे को पहले जल्दी, मैं खुद क्या रीजन करता फटाफट। ओ माय गॉड, आ जा बेटे तू। अब देख तू, अब ये टीम हमारी यहाँ पे बराबर। अब मेरा दोस्त मेरे को बचाने आ चुका है। ओ शेर, मेरी शील्ड गई भाई। निकल बेटा, आ जा तू, भाग रहे। इसकी हेल्थ कम है, हर जगह से बोल सकता हूँ मैं, मेरी खुद की हेल्थ कम थी भाई, बच गया। सुन विजर, मैं तो कभी छोड़ दूंगा, मेरे को नाम बता दे, मेरे को उस बंदे का नाम बता दे जिस बंदे ने तेरे को यहाँ पर पैसे खिलाए थे, उस बंदे को मारने के लिए, उस किंग को भगाने के लिए। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरे को देख रहा है बंदा, पर नाम नहीं बता रहा है बंदा मेरे को। जल्दी बता दे नाम मेरे को, मैं तेरे को बोल रहा हूँ अभी प्यार से। तेरे को हो क्या गया पास्ट में, क्या था तू ये पेड असैसिन है? पहले तो बड़ा अच्छा था, फ्यूचर में तो बड़ा अच्छा बना तू, बता दे। मैं तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ अभी, मैं तेरा पीछा करूंगा बेटा, जहन्नुम तक पीछा करूंगा मैं तेरा। रुक जा, मैं तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ भाई, ये बंदा सुन नहीं रहा है, मरने वाला भाई। रुक गया बंदा, रुक जा। भाई मैं तेरे से इतना पूछ रहा हूँ कि वो बंदा कौन था, उसका नाम बता दे यार। तू अपना काम कर ले, फिर मार दे उन सबको, कोई टेंशन नहीं है। देख ऐसा भाई, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जिसके बारे में तेरे को बता नहीं सकता हूँ, अगर बता पाता मैं तेरे को पक्का बताता मेरे भाई, मेरे को बता दे, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है यार, बता दे ब्रो यार, घर वापस जाना यार अपने, यार सीन है मेरे साथ हुआ हुआ। अभी मैं बंदा मेरे को ललकार रहा फाइट के लिए, तेरे को लड़ना ही है क्या मेरे साथ है? तू आ जा, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं अभी, तू आ, तू आ। ओ! What the heck?
ये क्या सीन है ब्रो? सीरियसली ये वॉल टूट नहीं रही यहाँ पे? ओ माय गॉड, इस बंदे ने मेरी आंखों के सामने अनब्रेकेबल वॉल बनाई, मेरी आंखों के सामने। वॉच, भगवान कसम यार। ओके भाग जाएगा बंदा, भाग जाएगा। ओ शिट, अरे भाई मैं ऑलमोस्ट उसको पेलने वाला था। नो वेज, मेरे हाथ से निकल गया बंदा यार कसम से। ओ माय गॉड, ये तो गलत बात होगी यार, बंदा कहाँ गया होगा अब यार? कितनी बड़ी वॉल इसने एकदम से बना दी मुंह के सामने यार, तो बहुत ही मायावी बात होगी यार। और सामने सामने है बंदा, इतना नजदीक है मेरे। ओ माय गॉड, यस थैंक यू मकड़ू, तेरे को मैं ही बचा देता मकड़ी से। ले भाग बेटा, तू भाग, कितना भागेगा, कितना भागेगा। खाना खाना पड़ रहा भाई, ये बंदा मेरी नजरों से दूर नहीं होना चाहिए बस। अगर ये बंदा मेरी नजरों से दूर होगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी यार। कहाँ भागेगा भाई, पार्कोर वॉरियर है बंदा यार, बिल्कुल भाग रहा है एकदम तेज। अब मेरे यहाँ पे स्प्रिंट खत्म होने वाली, भाई ये बंदा मेरी नजरों से दूर हो जाएगा। भाग 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 भाग, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा आज भाई, मैं जिद्दी बंदा हूँ, मैं जिद्दी बंदा। मैंने एंटिटीज इतने बड़े बड़े होगा लाला ऐसे बंदे पे ले भाई, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा इस बंदे को हो क्या गया, पास में था क्या ये ब्रो? अगर मैं गलती से अपने घर पहुंच गया ना गाइस नॉर्मल मेरे टाइम में, तो मैं सीरियसली तुम लोगों को बता रहा हूं, मैं पक्का इस विजर्ड से पूछने वाला भाई तू पास में करता क्या था, और इस बंदे ने मुझे पहचाना कैसे नहीं, इसने मेरे को कैसे नहीं पहचाना, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। इसे मुझे आज तक कभी बताया नहीं कि ये बंदा मेरे को जानता है। ये क्या कर रहा है हवा में बंदा? What the heck? कुछ भी कर रहा है, हवा में उछाल रहा है भैया। ओ भाई, अरे भाई से पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अरे ये बंदा स्ट्रक्चर पे गायब हो जाएगा। What? एक सेकंड रुको, मैं ऐसे ही नस्ल को खाना चाहिए, अगर मेरे पास खाना नहीं होगा ना भाई दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ यहाँ पे अभी। ओ माय गॉड, इसने मेरी आंखों के सामने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया ब्रो, हाउ इज दिस पॉसिबल? कोई मेरे को बताएगा करना क्या चाहता है भाई ये बंदा? और मेरे पास यहाँ पे भाई लग चुके मेरे, मैं सच्ची बता रहा तुम लोगों को, देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं है यार। देखो मेरा ऑलमोस्ट आर्मर जाने वाला है भाई, पता नहीं कहाँ चला गया बंदा स्ट्रक्चर को बना के, कुछ ना कुछ गड़बड़ 100% है भाई स्ट्रक्चर की। अब अंदर जाकर एक बार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग, विलेज के पास आए हैं, यहाँ से खाना खुना चोरी करते हैं। अब चलते जरा इस पहाड़ को यहाँ पे पूरा का पूरा देखने के लिए अच्छे से, ऐसा क्या है इसके अंदर, और उस बंदे ने इसको पैदा कैसे करवा सकता है मेरी आंखों के सामने? अनब्रेकेबल वॉल बनाई उस बंदे ने यार। वो यहाँ पे छेद है, नहीं यहाँ पे छेद नहीं है तो बंद है भाई। एक सेकंड रुको, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ओके आई थॉट यहाँ पर कोई सीक्रेट रास्ता है मैन, कुछ ना कुछ यहाँ पे 100% होगा, यहाँ पे रास्ता है। वेट अ सेकंड, पानी है मुंह के सामने, लेट्स डू वन थिंग, वाटर बकेट फिल करके रखते हैं मैन, दो की दो, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ से अंदर, यहाँ पर था। ओके लेट्स गो भाई, यहाँ पे तो टनल्स खोदी हुई है भाई बंदे ने, इतनी बारीकी से जो यहाँ पर टनल खोदी हुई है ना, इस चीज के ऊपर मुझे लिटरली शक हो रहा है गाइस। ओ माय गॉड भाई, ये बंदा यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, कैसे इस बंदे ने पहाड़ मुंह के सामने बनाया यार, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। यहाँ से नीचे क्या है ये? ओ माय गॉड, अरे मैं अभी जमीन के ऊपर हूँ, और ये नीचे क्या है ये? आग जैसी लग रही बहुत बड़ी। एक सेकंड रुको, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। ओ भाई साहब, ये एक्चुअली हवा में तैरता हुआ एक स्ट्रक्चर है। नो वेज, इसको मैं तोड़ने वाला हूँ। और वो, अरे वेट अ सेकंड, मैं एक चीज देखना चाहता हूँ। अरे मैं टनल के अंदर आया था, टनल कहाँ गई, मैं कैसे हवा में आ गया? What the heck? मेरे को समझ नहीं आ रही हुआ क्या? Oh my God, तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है डेजर्ट पिरामिड है ये यार। ये लिटरली हवा में झूल रहा है, सीरियसली मैन। और यहाँ पे देख रहे हो कितनी बड़ी आंख है ये, बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है मेरे को एक्चुअली। नीचे मत गिरियो भाई प्लीज, तू गलती से भी, मैं अब यहाँ पे ना मरने का रिस्क नहीं ले सकता यार। और वहां पर एक ऐसे गॉड जैसी बहुत बड़ा स्टैचू ऐसा बनाया हुआ है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि हम लोगों का शायद रेंडर नहीं कर पा रहा मेरा पीसी है, बट होगा ये स्ट्रक्चर जमीन पर ही। एक बार छलांग मार के देखो नीचे गाइस, दो चीज होगी यार, या तो आज मैं अपने पास्ट के अंदर मरने वाला हूँ, या तो फिर मैं नीचे जिंदा बचूंगा, आई डोंट नो मैन क्या होगा। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वाटर बकेट करने वाला नीचे के लिए। और वेट अ सेकंड, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे वाटर बकेट करने की जरूरत है, मैं रिस्क क्यों लूं भाई? अगर नीचे जमीन होगी तो मैं 100% यहाँ पे वाटर क्लच कर सकता हूँ, आई नो दिस, बट लेट्स सी। ओके अब मैं इस पानी के बीच जाने वाला हूँ नीचे, और आराम आराम से चलते हैं। ओके लेट्स गो, हाँ नीचे जमीन है। अरे भाई साहब, हम लोग इतनी ज्यादा हाइट में आए कि मेरे को लगा कि नीचे जमीन ही नहीं है,
बट एक्चुअली यहाँ पे जमीन है। अरे बेटा फिर तो हम लोग छलांग मारेंगे नीचे के लिए, फिर क्या टेंशन की बात है यार। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। पर गाइस कितना ज्यादा सुंदर महल है, इतना बड़ा यार। पर हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? ये विजर्ड मेरे को यहाँ पर लेकर क्यों आया है? मेरे को नो आइडिया, ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा भाई हमको इतने खोपचे में लेकर आ चुका और यहाँ पर मारने की ट्राई कर रहा है, और वहाँ ऊपर इतनी बड़ी आंख क्यों बनी थी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। और गाइस ऐसा करते हैं चुपचाप से अंदर चलते हैं। इनफैक्ट मैं बिल्कुल सामने से क्यों जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ स्नीक कर करके साइड साइड से, सामने हो सकता कोई मेरे को दिख जाए यहाँ पे। ओ माय गॉड, वेट अ सेकंड, प्लीज डोंट टेल मी कि ये विजर्ड है। विजर्ड है वो हमारा गाइस, वो हमारा फ्यूचर वाला विजर्ड है। आई स्वेयर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये सच्ची में वही है। रुको आसपास देख के चले गरी, यहाँ पर कहीं पर कोई ऐसा ना हो कि ट्रिप फायर वगैरह लगी हो, भाई दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे यार। ओ माय गॉड गाइस, ये हमारा वो नया वाला विजर्ड है जो मेरे को यहाँ पर खींच कर लेकर आया, और यहाँ पर हमारा ओल्ड वाला विजर्ड है। लाइक सीरियसली, पर ये यहाँ पर कैसे है भाई, मैं पास्ट में आया हूँ इस वक्त यार। एक सेकंड रुको गाइस, मैं इस बंदे से बात करके आता हूँ एक बारी, एंड देन देखते गाइस कि ये बंदा मेरे को यहाँ पर क्या बोलता है। और अगर तो मैंने अभी यहाँ पर बात करी अपने इन दोनों के दोनों विजर्ड से, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे भाई यहाँ पर क्या सीन हो रहा है यार इस वक्त। तुम लोग बताएं जो ये वाला विजर्ड है ये एक्चुअली कौन सा विजर्ड है? जिस बंदे को मैंने पेलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से लेकर, ये उसका भाई है। तुम लोग को तो ऑलरेडी पता है जो हमारा मेन विजर्ड है ये वाला, ये एक्चुअली दो भाई है, और इसका जो दूसरा भाई है वो हम लोग को डार्क हेमलैंड के अंदर मिला था, ये वाला तुम लोग को याद होगा पक्का। तो क्या वो डार्क हेमलैंड वाला बंदा था ना, वो एक्चुअली डार्क हेमलैंड के अंदर मर गया था, जैसा कि मैं मरा था डार्क हेमलैंड के अंदर। मैं पैदा हुआ था इस फारलैंड्स के अंदर, और ये बंदा पैदा हुआ है पास्ट में, लाइक यहाँ पे मेरे सीजन वन वाले वर्ल्ड के अंदर ये डायरेक्ट पैदा हुआ। तो गाइस इसीलिए मैं डरता हूँ भाई बार बार मरने से, बिकॉज हम लोग यहाँ पे हिमलैंड के अंदर मरते हैं तो हम लोग कहीं भी स्पॉन हो जाते हैं भाई। ये बंदे की तो लिटरली टाइम लाइन चेंज हो चुकी है, सोचो ये बंदा पास्ट में जाके स्पॉन हुआ है यार, पास्ट में जाके। और जो ये वाला विजर्ड है वो यही है, और जिसको हम लोग मार रहे थे वो एक्चुअली इसका कजन भाई, आई मीन दूसरा वाला भाई जो हमारा मेन विजर्ड था कमांडर वाले विलेज का। और वो बंदा इस वक्त कहाँ है इसको आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंदा मेरे को जानबूझ के यहाँ पर लेकर आया इस बंदे के पास। वाई? बिकॉज ये मेरे को कुछ बताना चाहता था गाइस। तो ये जो हमारा विजर्ड है ये आया हुआ है यहाँ पर डार्क हेमलैंड से डायरेक्ट यहाँ पर स्पॉन होकर, एंड इस बंदे ने मेरे को एक बहुत ही मस्त बात बताई है गाइस। जो ये वाला महल है ना हमारा, तुम लोगों ने वो बाहर आंख देखी कितनी बड़ी आंख बनी हुई थी। ये जो आंख है गाइस, इस आंख का नाम है ऑल सींग आई। ऑल सींग आई का मतलब है हर जगह पर वो देख सकता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि हमारे हिमलैंड वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन था जो हर जगह पे देख पा रहा था? वो थी गाइस वो एंटिटी। तो मेरे को लग रहा था कि वो डार्क हिमलैंड के अंदर बैठकर एक्चुअली हम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए है, और हमारे हर एक मूव के बारे में उसको पता था। बट एक्चुअली वो इस पर्टिकुलर महल के अंदर बैठकर सब कुछ देख पा रही थी और हमारे बारे में सब कुछ जान पा रही थी यहाँ पर बैठकर एक्चुअली। बट गाइस अभी हम लोग यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए हैं 300 साल पहले, एंड ये जो जगह है ना गाइस ये हमारी बर्थ प्लेस बनने वाली है होगा लाला की। एंड द थिंग इज अभी हमारा जो विजर्ड है वो 300 साल पहले स्पॉन तो हो चुका है, तो अब ये यहाँ से बाहर वापस जाना नहीं चाहता। मैंने इसको बोला कि भाई तू मेरे साथ वापस चल पड़, हम लोग वापस चल जाएंगे। बट इसने मेरे को बोला कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता बिकॉज होगा लाला वगैरह का ये जो जगह का इस फ्यूचर में बर्थ प्लेस बनने वाले हैं। होगा लाला लगभग 200 साल पहले का है और हम लोग अभी 300 साल पहले है, तो 100 साल का डिफरेंस है अभी। तो इसने मेरे को बोला कि एक बार अगर इस जगह से निकल गया हो सकता है वापस यहाँ पर ना आ पाए, इसलिए बंदा यहीं पर रहने वाला है और अगले 100 साल वेट करेगा। देन उसके बाद जब होगा लाला पैदा होगा ना, तो उस बंदे से इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को आतंक से बचाना चाहता है बंदा। तो ये बहुत ही सही बंदा है। एंड गाइस इससे मेरे को एक और बात बताई कि वो जो बंदा है ना हमारा विजर्ड जो एक्चुअली उस विलेज के अंदर कत्लेआम मचाने के लिए गया हुआ है, वो बहुत ही सही बंदा है। तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है, बट उस बंदे को गाइस किंग के ऑर्डर्स है यार, और किस किंग ने उसको ऑर्डर दिए वो उस बंदे का नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरे को उसका नाम 100% बता सकता है। तो इसने मेरे को बोला है उस किंग का नाम है गाइस किंग ओडिन। तो ओडिन करके कोई किंग है, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, बट मैं अपने वाले किंग को बताने वाला उसका नाम, ताकि वो उससे बदला ले सके। जो भी करेगा भाई वो करेगा, मेरे को वो अपने टाइम में अपने घर में वापस भेज देगा फिर। तो कहने वाले ये गाइस कि जो हमारा राज था उस किंग का नाम मुझे पता चल चुका है, बट वो विजर्ड कहाँ पर गया मुझे नो आइडिया। मुझे भाई तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हो, तीन तीन विजर्ड है भाई यहाँ पे यार, बट ये दोनों बंदे लिटरली एक ही है। ये पास्ट है यानी कि इसी टाइमलाइन जो हमारा सीजन वन वाला विजर्ड वो ये है, और फ्यूचर में ये बनने वाला है, और अभी ये दोनों यहाँ पे साथ रहने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा ऑसम बात है एक्चुअली। बट इसने मेरे को बोला है कि अब हम लोग इतना दूर आ चुके हैं, एक्चुअली द थिंग इज हम लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं अपने घर से इस सीजन वन वाले वर्ल्ड के अंदर भी। तो मैं उधर ऊपर होकर वापस जा नहीं सकता बिकॉज वो जगह वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो जो पहाड़ इसने वहां पर लाया था ना हवा में ऐसे बना के, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है एक्चुअली। तो मैं वापस जा नहीं सकता हूँ, तो अब ये मेरे को अपने पावर्स के थ्रू यहाँ से घर वापस भेजने वाला है, आई मीन उस टाइम मशीन के पास भेजने वाला है। तो ठीक है मेरे विजर्ड भाई यार, थैंक यू सो मच भाई मदद करने के लिए।
और ये बंदा बहुत सही है भाई, ये बंदा पास्ट में रहने वाला गाइस अब हमेशा हमेशा के लिए, जस्ट बिकॉज ये होगा लाला का आतंक से यहाँ पे लोगों को बचाना चाहता है यार। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। ठीक है तो गाइस अब ये मेरे को यहाँ से भेजने वाला है मेरे टाइम मशीन के पास, सो लेट्स सी मैन, 3, 2, 1। यस फाइनली भाई, ओ माय गॉड, मैं एक्चुअली यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। ओ भाई लिटरली भाई यहाँ पे भिजवा दिया इसने मेरे को। ओह मैं क्यों देखना चाहता यार मेरी टाइम मशीन सेव है कि नहीं है। यस हमारी टाइम मशीन यहीं पे है, उस किंग का नाम है किंग ओडिन, और अब हम लोग यहाँ से अपने घर वापस जा सकते हैं। लेट्स गो मैन। तो क्या कहता हम लोगों ने, बस हम लोगों ने इसको नीचे ही किया था एंड देन हम लोग यहाँ से बाहर चले गए थे है ना, यू करके। ओके तो यहाँ से इसको किया नीचे और यहाँ से किया इसको नीचे, हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। वेट ये क्या मजाक है, टाइम मशीन काम नहीं कर रही मेरी। ओ हेलो एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ आ गई क्या इसके अंदर, डोंट टेल मी। अरे मेरा बीकन काम नहीं कर रहा है, व्हाट द हेक। इसके देखो बीकन का सिर्फ एक ही उससे काम नहीं करता, जब इसके टॉप में कोई चीज आती है, तो इसको मैं हटाता हूँ एक बारी। ओके अब यहाँ पे आकाश खाली है, अब तो काम कर ले भाई, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, पर इससे पहले तो कर रहा था ये काम। मेरा बीकन ही खराब होगा क्या, ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई, टाइम मशीन खराब होगी मैं वापस कैसे जाऊंगा अपने घर के लिए। ओके पीछे मेरे को 3 बीकन की वो तो दिख रही है, मैं ऐसा करता हूँ ना गाइस, एक बीकन मेरे को लग रहा है मेरे को मेरे पास्ट वाले बंदे से चोरी करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उसको चोरी करूंगा तो उसको शक हो जाएगा कि उसका बीकन गया कहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे वर्ल्ड के अंदर मेरे दोस्त लोग नहीं आते चोरी करने के लिए, बट मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा हमेशा के लिए। मेरे को ऐसा करना पड़ेगा गाइस, एक बीकन चोरी करना ही पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि वो जो हमारा आयरन का बीकन बनाया था ना मैंने पास्ट में, उस बीकन को चोरी करता, सस्ता बीकन है इसलिए वो जो सामने दिख रहा है मेरे। लेट्स गो, बड़े आराम आराम से चलना पड़ेगा, यहाँ पर बंदा हो भी सकता है आसपास, मेरा मेरा पास्ट फिर सीन हो जाएगा, उसने मेरे को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए वहां पे, ओ शिट, अबे वो विज़र्ड है वहां पे, ओ शिट, उसको लग रहा है कि मैं हूं वो बंदा, ये मेरे पास्ट वाले बंदे को मारने की ट्राई कर रहा है। शिट अगर इसने मेरे को पास्ट में मार दिया ना तो मैं लिटरली फ्यूचर में भी मर जाऊंगा, दिस मीन्स जो तुम लोगों को भी सामने दिख रहा है ना ये बंदा, ये लिटरली यहाँ पे दुनिया से गायब हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ओ माय गॉड।